गाइस ये टोनी स्टार्क अपने मार्क वन सूट को ऐसे पैदल पैदल कहाँ लेकर जा रहा है। आज मैं किसी भी हालत में इस सूट को या तो खत्म कर दूंगा या इसको जीरो से गॉड सूट बना के रहूंगा। क्या जीरो से गॉड सूट? लेकिन कैसे पॉसिबल है इतना खटारा सूट? गाइस चेक करना पड़ेगा असल में टोनी स्टार्क के मन में क्या चल रहा है। ये एक दुनिया का एहसानों का पोर्टल है कि अगर ये किसी को भी एक्सेप्ट कर ले तो वो जीरो से हीरो बन सकता है या फिर हीरो ही नहीं गॉड भी बन सकता है। क्या सच में? गाइस टोनी स्टार्क जो भी बोल रहा है मुझे उसकी बातें झूठ लग रही हैं, लेकिन अभी पता चल जाएगा यहाँ होने क्या बोला है। आज मेरे मार्क वन तेरा टेस्ट है, अगर तू यहाँ पर इसके अंदर गया और जीरो से गॉड नहीं बना तो मैं तुझे फेंक दूंगा। मैंने सूट पहन लिया है, अब ट्राई करता हूँ। गाइस देखने जा रहा हूँ मैं तो क्या होने वाला है। ये क्या क्या बात है मैं तो यहाँ पर मार्क वन को अपग्रेड कर लिया। व्हाट गाइस, टोनी स्टार्क का इतना खटारा सा सूट इतना बढ़िया बन गया। अरे वाह, मेरे पास तो जंपिंग की पावर्स आ गई, लेकिन लगता है अभी मेरे पास उड़ने की पावर्स नहीं आई है। इसका मतलब मुझे खुद को फिर से अपग्रेड करना होगा, शायद ये गॉड सूट नहीं है। क्या एक से ज्यादा बार भी अपग्रेड कर सकते हैं खुद को? ये कैसे पॉसिबल है? ओह माय गॉड, देखिए गाइस स्टॉक जितनी बार भी उस पोर्टल से बाहर निकल रहा है इतना बढ़िया हो रहा है। अरे वाह, मैं तो यहाँ पे जायंट आयरन मैन बन चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ये गॉड सूट है। अभी मुझे गॉड सूट में अपग्रेड करना होगा। क्या इसका मतलब गाइस जब तक हम गॉड सूट में खुद को अपग्रेड ना कर लें तब तक हम कितनी बार इस पोर्टल से जा सकते हैं? देखिए गाइस स्टॉक फिर से जा रहा है, पता नहीं इस बार ये गॉड सूट में बनेगा या नहीं। अरे वाह, इस बार तो फाइनली मैं जायंट गॉड आयरन का सूट बन चुका हूं। मजा ही आ गया क्या ही बढ़िया पोर्टल है, लेकिन किसी को पता ना चलने पाए ये पोर्टल यहां पर है। मुझे इसको छुपाने के लिए सामान लाना पड़ेगा, जल्दी जाता हूं कंटेनर्स लाता हूं। क्या नहीं 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 गाइस, टोनी स्टार्क तो यहां से चला गया, वो इस पोर्टल को छुपाना चाहता है। गाइस मैं भी यहां पे खुद का साइज बढ़ाऊंगा, मैं भी जीरो फ्रैंकलिन से गॉड फ्रैंकलिन बनूंगा। लेकिन एक मिनट, शायद इंसान यहां पर अपग्रेड नहीं हो सकते, मुझे कोई आयरन का सूट चाहिए। गाइस आप एक काम करो, जल्दी लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। क्या पता मुझे आयरन का सूट मिल जाए। ये सूट बहुत बेकार है, मेरी जिंदगी तबाह हो गई। मालिक प्लीज मुझे मत फेंको, निकल यहाँ से। तूने यहाँ पर कितनी बार गलत काम किए मेरे खटारा सूट। टोनी स्टार्क से कभी सूट नहीं खरीदूंगा, ये ले पाओ। क्या गाइस, एक अंकल अपने मार्क वन आयरन मैन के सूट को फेंक कर चले गए क्योंकि वो सही से काम नहीं करता, और देखिए वो बुलडोजर को भी ले गए। आइडिया गाइस, मैं उसके पास चलता हूँ, उससे पूछता हूँ उस बेचारे ने क्या गलती की। मेरे मालिक ने मुझे छोड़ दिया, मेरी क्या गलती है कि मैं जीरो हूँ? तो चिंता मत कर भाई, मैं तेरा होस्ट बन जाता हूँ, फिर तू और मैं साथ में जीरो से गॉड बनेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या बिल्कुल पॉसिबल है? गाइस मैं सच बोल रहा हूँ ना, कमेंट में यस लिखो जिससे इसको यकीन हो जाए। ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो तू और मैं एक दूसरे के होस्ट बन जाते हैं। ऑल राइट गाइस, अभी मैं इस सूट को पहनने जा रहा हूँ जिससे कि यहाँ पर मैं इसको गॉड में अपग्रेड करूँ। गाइस आप प्लीज लाइक कर देना, क्या पता बिना लाइक के काम ना करे। भागो भागो, अरे बाप रे, अरे भाई फ्रैंकलिन तूने झूठ बोला। नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, टोनी स्टार्क को मैंने देखा था, वो जीरो से गॉड सूट खुद बन के गया है। गाइस प्लीज यार वीडियो लाइक ना क्या हो तो अब तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिसने वीडियो को लाइक कर दिया है उन सभी का शुक्रिया, वो कमेंट में यस जरूर लिखना जिससे कि क्या पता ये पोर्टल इस बार सच में काम कर जाए। बिल्कुल गाइस प्लीज कर दो, हम वापस से ट्राई करते हैं। ऑलराइट, इस बार गाइस मैं अपने खटारे से सूट को वापस लेके जा रहा हूं, बस उम्मीद करता हूं कुछ हो जाए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कुछ तो हुआ। ओ माय गॉड गाइस, मैं जीरो से गॉड बन गया, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं अभी गॉड बनाऊं। मैं यहां पर जंप तो लगा पा रहा हूं, लेकिन मेरे हिसाब से गाइस मेरे पास अभी उड़ने की पावर्स नहीं आई है। आई थिंक मैं अभी गॉड बना नहीं हूं। स्टॉक भी तीन चार बार में गॉड बना था, तीन चार बार में, तो गाइस हम भी ट्राई करते हैं। अरे ये क्या चल रहा है, आज तो मजा ही आ जाएगा, मैं गॉड आयरन बन के रहूंगा। ऐसा इसमें गॉड आयरन बन सकते हैं क्या? तो मुझे इस पोर्टल को तबाह करना होगा जिससे कि कोई भी यहां पर गॉड ना बन पाए। गॉड मैं हूं गॉड रेड हल्क। ये क्या कर रहा है तू रेड हल्क? ओह माय गॉड गाइस, ये कितना बुरा है यार, ये बाकी लोगों से चलता है। हा हा, अब बन के दिखा फ्रैंकलिन गॉड। नहीं गाइस, इसने तो आग लगा दी, अगर मैं गया तो जल जाऊंगा। ओह माय गॉड, क्या खतरनाक आग लगाई है। दोस्तों क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आइडिया, अगर मैं जंप लगाकर ऊपर साइड से जाऊं तो शायद गॉड आयरन मैन बन जाऊं। बाप रे, बच गया आग से, लेकिन एक मिनट, ये काम नहीं कर रहा है, शायद मुझे सीधे तरीके से नीचे से जाना होगा। अरे भाई फ्रैंकलिन इधर से चलें। नहीं कर रहा भाई, हमें सीधा ही जाना पड़ेगा। अरे बाप रे गाइस, ये वो कितना गलत कर गया। अभी तो गाइस हमें आग में जलकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रैंकलिन भाई, हम ट्राई करते हैं। ओके गाइस, अभी हम आग से बाहर निकल के जाएंगे, क्या पता ये सूट हमें जलने ना दे। एक मिनट, जल गए बुरे जल गए। मेरे को सूट से बाहर निकलना पड़ेगा। अरे फ्रैंकलिन भाई मैं मर जाऊंगा, प्लीज मेरा साथ मत छोड़। ठीक है भाई, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। गाइस हमें अपग्रेड होना होगा किसी भी हालत में। पानी पानी चाहिए भाई, मैं मर जाऊंगा। रुक जा भाई, मैं तुझे पानी में लेके चलता हूँ। गाइस वो बेचारे में बहुत बुरी आग लग रही है, रुक जा। गाइस हमें पानी चाहिए। ओ नो 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 नो, पानी कहाँ पर है, पानी कहाँ पर है? उधर है गाइस, जल्दी लेके चलो। मुझे बहुत बुरी आग लग रही है। गाइस कमेंट में आप जल्दी आयरन मैन ओपी लिख दो, बेचारा मर जाए।
जाएगा ये, फिर हम यहाँ पर गॉड सूट में कैसे बदलेंगे? गाइस यार वो कितना बुरा था रेडल्क, उसने गलत कर दिया। वो रेडल्क नहीं था, वो गॉड रेडल्क था। शायद वो नहीं चाहता कि वो और गॉड बने। गाइस मैंने अपने सूट को पानी में ला के रख दिया है। एक मिनट, सूट कहाँ गया? मेरे भाई कहाँ पर है तू? फ्रैंकलिन भाई मैं इधर हूँ। वाह गाइस हमारा सूट वापस से बेटर हो गया, चलो उसको पहनते हैं। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे सूट की पावर चली गई है? गाइस हमारे सूट के सारे अंजर पंजर ढीले हो गए। अभी मेरे को जल्दी से खुद को गॉड सूट में अपग्रेड करना ही पड़ेगा। आज मैं गॉड रेड डायमंड बन के रहूंगा। मुझे कोई एक मिनट गाइस, मैं तो यहाँ पर अल्ट्रॉन बन चुका हूँ यार। क्या एक बढ़िया आयरन का सूट है। अरे वाह फ्रैंकलिन, लेकिन क्या ये गॉड सूट है? एक काम करते हैं गाइस, इसकी पावर चेक करते हैं, फिर पता चलेगा। उड़ के देखते हैं पहले। एक मिनट गाइस, वाह मैं तो यहाँ पर बिना इलेक्ट्रिसिटी के उड़ सकता हूँ। गाइस मेरे को लग तो रहा है ये गॉड है, लेकिन यार गॉड ऐसा नहीं होता ना। गॉड तो बहुत जायंट लेवल के सूट होते हैं। गाइस आप बताओ ये सूट गॉड है या नहीं? यस या नो में जवाब बताओ कमेंट में। बाकी आइडिया हमें काम करते हैं, अगर ये गॉड हुआ तो हम पोर्टल में जाएंगे और ये अपग्रेड नहीं होगा। नहीं हुआ तो हम दोबारा जाके अपग्रेड हो। एक मिनट, ये कौन है? तो तू गॉड बनना चाहता है, मैंने सुना था। मैं यहाँ पर कंटेनर ढूंढ कर लाया हूँ जिससे कि मैं किसी को गॉड ना बनने दूं, और तू बेवकूफ यहाँ गॉड बनना चाहता है। फ्रैंकलिन तू बिल्कुल धोखेबाज है। अरे है इसमें धोखेबाजी की क्या बात है स्टार्क, अरे यार ये कितना बुरा है। निकल जाए यहाँ से, मैं पूरे के पूरे पोर्टल को ढक दूंगा। गॉड आयरमैन सिर्फ मैं बन सकता हूँ, तू नहीं बनेगा बेवकूफ। ठीक है छोड़ दे मुझे, गाइस स्टार्क कितना बुरा है। चलो जल्दी से गाइस यहाँ पर पूरे के पूरे पोर्टल को कवर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयरन मैन रियल मैं हूँ, तो इसलिए गॉड भी मैं ही बनूंगा। एकदम बढ़िया तरीके से मैंने कंटेनर्स को बढ़िया तरीके से पतली शेप में राउंड अप कर दिया है, जिससे कि वो बोट टाइप लगे। अरे गाइस ये क्या एंगलिंग कैसा लगा? अबे रुक तेरे को मारता हूँ, ये सूट मुझे दे। नहीं वो सूट मेरा है। अरे गाइस ये सूट मुझसे छीना चला है। अरे भाई भाग, मैं स्पीड में भाग, ये टोनी सर हमें मार देंगे। वो सूट मेरा है, मैंने बनाया था। अरे बाप रे, तूने तो खटारा बनाया था सूट को, मैंने इसको यहाँ पर इतने अच्छे सूट में अपग्रेड किया है। गाइस सही बोल रहा हूँ ना? कमेंट में यस लिखो, मेरा समर्थन करो। कितना मारता है तू। गाइस मुझे उस बड़े से पत्थर के पीछे छुपना पड़ेगा, स्टॉक मेरे को वरना मार देगा। ओके यहीं छुप जाता हूँ। ऑलराइट गाइस, उम्मीद करता हूँ स्टॉक का भूत उतर गया हो। गाइस मुझे किसी भी हालत में उस पोर्टल तक पहुंचना होगा, अपने आप को गॉड डायमंड में अपग्रेड करना होगा। फ्रैंकलिन कहाँ पर गया? हेलो, अच्छा ही हुआ मैंने उसकी बैंड बजा दी, बाकी तो सब कुछ प्रोटेक्ट कर गया, कोई गॉड नहीं बन पाएगा। फ्रैंकलिन अगर तू यहाँ पर दोबारा गॉड बनने की कोशिश किया तो तुझे खत्म कर दूंगा। गाइस भागो, स्टॉक इधर ही आ रहा है, मेरे को जल्दी भागना पड़ेगा। स्टॉक यहीं पर रुक जाएगा, मैं दूसरी साइड से भागूंगा। फ्रैंकलिन तू मुझसे बच नहीं पाएगा। रुक बेटा, कहां ये ले तुझे मार दूंगा। एक मिनट, यहां पर तो है नहीं, कहां पर गया बेटा? तुझे जल्दी ढूंढ लूंगा मैं तुझे गॉड बनने नहीं दूंगा। वो सूट मुझे वापस कर। जल्दी भागते हैं। स्टॉक मेरे पीछे बम लेके पड़ गया है। क्या ही बढ़िया वॉल लगाई है, कोई भी इसको तोड़ नहीं पाएगा। गाइस सबसे पहले मुझे स्टॉक को यहां पर बेहोश करना पड़ेगा, वरना ये मेरे काम में रुकावट बनता रहेगा। ये चुपचाप वाला बम लगाया। एक मिनट, मेरे पैरों के नीचे क्या आ रहा है? हो सकता है मिट्टी ज्यादा मोटी। अरे मार दिया, हालत खराब। वाह हमने स्टॉक को बेहोश कर दिया है। ये ले एक दो बम और लगा देता हूं, जिससे कि ज्यादा टाइम के लिए बेहोश रहे। अब गाइस यार इस बड़ी सी वॉल को कैसे तोड़ूं? इस स्टॉक ने बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया है। पहले स्टॉक को काम करते हैं गाइस, कहीं ठिकाने लगाते हैं, वरना ये वापस से उठ के मेरी बैंड बजा देगा। कम ऑन। फ्रैंकलिन छोड़ मुझे, फ्रैंकलिन मैं उठ नहीं पा रहा हूं, तेरी बैंड बजा दूंगा। ऑलराइट गाइस, स्टॉक को मैंने यहां छुपा दिया, कभी पुलिस मुझे पकड़ ले। ओके दोस्तों ये वाली जगह एकदम सेफ है, अभी मेरे को गॉड डायमंड बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन गाइस यार मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है, टोनी स्टार्क बोल रहा था कि उस वॉल को कोई तोड़ नहीं सकता है, लेकिन मैं उसको तोड़ कर रहूंगा। टूट जा। टूटती क्यों नहीं है यार, मेरी सुपर पावर्स भी टोनी स्टार्क ने खराब कर दी। अरे भाई फ्रैंकली हम इधर से जा सकते हैं क्या? सच में जा सकते हैं? हाँ गाइस है, अरे थोड़ा सा रास्ता है। अरे नहीं जा सकते यार, ये स्टॉक बहुत चालाक है, इसने एक चींटी के जाने की भी जगह नहीं छोड़ी है। गाइस अभी क्या करूं? आइडिया, अगर हमें कोई सुपर गन मिल जाए तो उसका इस्तेमाल करके हम इस बोर्ड को यहाँ से हटा सकते हैं। गाइस ये तो टोनी स्टॉक की स्पेशल टेलीपोर्टिंग गन है, मतलब अगर इस गन से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को शूट करूं तो वो टेलीपोर्ट हो जाएगा, पता नहीं कहां पर होगा। तो भाई चल जल्दी फ्रैंकलिन, टेलीपोर्ट कर। गाइस देखिए काम कर रहा है, वो ऊपर हवा में उड़ गया। एक और मारते हैं, ये रहे, बहुत बढ़िया। गाइस हमने इस जाल को हटा दिया है, अभी यहां पर हम गॉड आयरन मैन के सूट में अपग्रेड होने जा रहे हैं। अब जीरो से गॉड बनने का समय आ गया है। ऑलराइट गाइस अब मैं इसके अंदर जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं सब कुछ बढ़िया तरीके से काम करेगा। हमें जाके बस जाना है और यहां से निकलना है।
गाइस मैं तो यहाँ पे जायंट गॉड डायमंड बन गया हूँ शायद। फ्रैंकलिन क्या सच में हम गॉड डायमंड बन गए? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। एक मिनट, मुझे लगता है गाइस शायद हम अपने आप को और अपग्रेड कर पाए। चलो क्यों ना अपने आप को और अपग्रेड करें, मजा आएगा। लेकिन गाइस पहले मेरे सूट की पावर देखिए। कैसी पावर? अरे शहर में चर्चा चली है इस वाले पहिए के अंदर जो जाएगा खुद को गॉड होता हुआ पाएगा। यही बात है क्या हुआ टुम्बक? मैं टुम्बक नहीं हूँ, मेरा नाम फ्रैंकलिन है। ओह वाह, तू फ्रैंकलिन है? अरे मजाक मत कर, मैं सच बोल रहा हूँ। गाइस कमेंट में यस लिखो ना। और हाँ, मैंने इसी पोर्टल से अपने आप को जीरो से गॉड बनाया। अब तू गॉड? मजाक मत कर, निकल यहाँ से। अब वो पोर्टल मेरा है समझा तू? तुम जैसा कीड़ा जमीन में रहना चाहिए, तुम जैसों को गॉड बनना में शर्म आनी चाहिए। चलो जल्दी जाता हूँ, मैं भी तो देखूँ मैं गॉड बनूंगा। अरे वाह, मैं तो यहाँ पर जायंट रेड रिवेंजर गॉड हल्क बन गया। अब यह दुनिया मेरी होगी, इस पोर्टल पर मैं राज करूंगा। यहाँ पर मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मैंने यहाँ पर इसको, एक मिनट, टोनी स्टार्क। अरे बाप रे, ये टोनी स्टार्क यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो उसको झोपड़ी में रखा था। फ्रैंकलिन मुझे बचा। ओह नो गाइस, शायद टोनी स्टार्क को सांस नहीं आ रही है। मुझे ठीक से सांस नहीं आ रही है। प्लीज गाइस, ये क्या हो गया? टोनी स्टार्क प्लीज, मैं तुझे मारना नहीं चाहता था। फ्रैंकलिन ये तेरी गलती नहीं है, वो रेड हॉक मुझे पीट के गया है। ऐसा गाइस कमेंट मारे नोपी लिखो। टोनी स्टार्क उठ जा प्लीज, जल्दी उठ जा, कम ऑन। फ्रैंकलिन मुझे माफ कर दे, यहाँ पर हमें साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, वरना वो रेड हॉक उस पोर्टल के थ्रू अपने आप को दुनिया से भी ज्यादा बड़ा गॉड बना लेगा। क्या सच में? बिल्कुल, इसलिए हमें यहाँ पर इसको हराना होगा। तू चिंता मत कर, जैसे ही मैं रेड हॉक से लड़ने जाऊँ तो खुद को गॉड बनाने चला जाना, और जैसे ही तू गॉड बन जाए मुझे आकर बैकअप देना, समझ गया? तो ठीक है भाई, ठीक है। वाह गाइस, टोनी स्टार्क और मैं साथ मिलकर काम करेंगे। ये दुनिया में तू कौन है? अरे वापस आ गया, अरे मार दिया, निकल यहाँ से। ये पोर्टल सिर्फ और सिर्फ भले इंसानों का है, वो अपना भला करेंगे और इस दुनिया का भी, समझा? तू कहाँ पर गया रेड एडवेंचर? आजा लड़ मुझसे। ऐसी बात है, अब बताता हूँ लड़ाई क्या होती है स्टार्क। पिछली बार सही से नहीं मसला था, इस बार कुचल दूंगा। क्या ही मारा मैंने तुझे। फ्रैंकलिन जल्दी कर, फ्रैंकलिन कम ऑन, अपने आप को गॉड बना। वो कीड़ा खुद को गॉड बनाएगा? अरे सपने में भी नहीं। चला निकल यहाँ से, जान से मार दूंगा तुझे। चलिए चलते हैं गाइस। ये रेड हॉक ने क्या कर दिया? चारों तरफ पत्थर ही पत्थर, बहुत हो गया गाइस। अब मैं यहाँ पर अपनी गॉड पावर इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब अगर मुझे हाई लेवल का गॉड डायमंड के सूट में बदलना है तो इन सभी को सामने से हटाना पड़ेगा। मैंने कर दिखाया गाइस, देखिए सारे जितने भी पत्थर थे जो पोर्टल को रोक रहे थे वो सब हट चुके हैं। चलो गाइस अब जीरो से गॉड बनने का समय आ गया। ये गया मैं इसके अंदर। वाह, मैं पहले से कितना बड़ा हो गया। इवन मेरे सामने तो ये गॉड रेड हल्क भी कितना छोटा लग रहा है। लेकिन एक मिनट, टोनी स्टार्क तो ठीक तो है? मैंने उसको मार दिया, अब तेरी बारी है। नहीं, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरे स्टार्क को ठीक कर। अरे मरा हुआ वापस नहीं आता, तुझे जाना हो तो भेज दू, देख जा मैं तुझे जान से मार दूंगा। कहां पर गया वो रेड एडवेंचर? शायद वो भाग गया। स्टार्क तू ठीक तो है ना? एक मिनट फ्रैंकलिन, मैं ठीक हूं, तू चिंता मत कर, इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। अभी मुझे तेरी जिंदगी और जहन्नुम बनानी है। वाह गाइस, स्टार्क यहां पे बच गया, बहुत बढ़िया। फ्रैंकलिन तो फाइनली गॉड डायमंड बन चुका है। बिल्कुल गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। और हां, स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं गाइस वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।